नमस्ते दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की मसाले वाली लौंजी। 500 ग्राम आम को धोकर छीलकर छोटे छोटे पीस में काट लें। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालें, गरम होने दें। इसके बाद 1 छोटा चम्मच जीरा, 3 तेज पत्ता, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च डाल दें, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1/3 हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से भूंज लें। अब इसमें कटा हुआ आम डाल दें, 3 से 4 मिनट के लिए भून लें। एक छोटा चम्मच नमक डाल के मिला लें। इसे ढककर मध्यम आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। अगर आपके पास हींग है तो 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दें। इसे ढककर मध्यम आंच पे 2 मिनट के लिए पकाएं। आधा बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच अदरक पाउडर या बारीक कटा हुआ अदरक डाल दें। मध्यम आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। अब इसमें 100 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम चीनी डाल के अच्छे से मिला लें। इसे ढककर मध्यम आंच पे 2 मिनट के लिए पकाएं। गुड़ और चीनी जब घुल जाए तो उसमें 2 बड़ा चम्मच पानी डाल दें। और 1 मिनट के लिए ढक के पकाएं। कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। आप इसे ठंडा करके शीशे के कंटेनर में डालकर 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।